भजन संहिता 31 परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें, वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, याव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू।